Jungle. शौचालय में देर तक बैठा पर टोका तो ले ली जान। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शौचालयों की समस्या नहीं है, आए दिन कहीं न कहीं इसकी वजह से विवाद होते रहते हैं। ऐसे ही एक झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया गया है कि साकीनाका इलाके में सार्वजनिक शौचालय में ज्यादा देर तक बैठने की वजह से दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जहां यह विवाद हुआ वो साकीनाका पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रवीण गावड़े शौचालय गए, जैसे ही अंदर बैठे कि अचानक शौचालय के दरवाजे पर 17 साल का एक लड़का आया और वो प्रवीण वाल को शौचालय के दरवाजे को खटखटाने लगा। लड़के की इस हरकत से अंदर बैठे प्रवीण को गुस्सा आया और वो अंदर से बाहर खड़े लड़के को गालियां देने लगा। बाहर आने पर प्रवीण और उस लड़के के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। मार खाने के बाद लड़का अपने घर गया, जहां उसने 35 वर्षीय चाचा गणेश किलोस्कर को पूरी बात बताई। गणेश शौचालय की ओर आया और गणेश और प्रवीण में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि प्रवीण ने गणेश पर लाठी से तेज हमला किया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। लोगों ने गणेश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। तो हाथ पाय धुन झोपला त्याच्यानंतर मी स्वयंपाक करत होते, मला आई मला जेवायला दे, मी त्याला जेवायला घातलं। जेवायला घातलं त्यानंतर तो सिरियल बघत होता टीव्हीवर। टीव्हीचं सिरियल बघून झालं आणि तो झोपला। झोपला त्याच्यानंतर परत तो फिरून आला। मी भाजी बनवत होती घरामध्ये, मी बोलली चला तू जेव रे, मी भाजी केली। तर नाही आई म्हणतो, मी नाही जेवत, मी ती सिरियल बघतो। तो वापस झोपला। तर माझा धंद्याचा जायचा वेळ झाला, 10:30 टाइम होता, 10:30-11 मी धंद्यावर निघाली। तिथे मी मला 1/4 तास झाला। 1/4 तासाच्या फोन आला कि गोपू आला, गणेश आला। मी बोलली माझा मुलगा वारू शकत, आता मी त्याला जेवायला घालून आली, त्याची मी सोय करून आली। नेमकं काय घटना घडली होती? नेमकं काय काहीच घटना घटना ती आहे, संडासला माझ्या मोठ्या मुलाचा मुलगा संडास। आरोपी जो आहे प्रवीण गावडे आणि भावेश म्हणून यांच्यामध्ये आपसामध्ये वाद झाला। तर भावेश जो चाचा आहे काका गणेश, तो भांडण सोडवण्यासाठी मध्ये पडला असता त्यातील आरोपीताने त्या गणेशास खाली पाडून त्याला खूप हाताने मारहाण केली, त्याच्यामध्ये तो ठार झालेला आहे। त्याच्या अनुषंगाने आपल्याकडे साकीनाक्याला गुन्हा मर्डरचा गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे 652/2018 आणि त्याच्यामध्ये प्रवीण गावडेला अरेस्ट केलेला असून त्याला आज रोजी कोर्टासमोर रिमांडकामी हजर करत आहे।